हेलो स्टूडेंट्स इट्स योर टुडे स्पोकन इंग्लिश क्लास हम इसमें सीखेंगे कि हम इंग्लिश में बात कैसे करते हैं आज का टॉपिक है हमारा टेंसेस जो कि तीन टाइप्स में होते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंसेस एंड देयर टाइप्स आज हम करेंगे टेंसेस क्या होते हैं जो हमारा काम चल रहा है वो हम हिंदी में बता तो देते हैं या फिर जो हमारे साथ हो गया या हम जो करने वाले हैं काम हिंदी में तो बता देते हैं लेकिन उसे इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब किया जाए इंग्लिश में कैसे स्पीकआउट किया जाए लेट स्टार्ट इन सिंपल वर्ड टेंस मीन्स टाइम टेंस का मतलब होता है टाइम मतलब जो काम हमें करना है करना कर दिया या करना या जो कर रहे हैं ऑल दो द टाइम इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट फ्लो ये एक हमारा डेली का काम है मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हम इन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दैट टाइम दैट इज़ जो हमारा अभी चल रहा है प्रेजेंट बी टाइम दैट वॉज जो हमारा बीत गया मतलब जो कल जा चुका है पास्ट सी टाइम दैट विल बी मतलब जो हमारा आने वाला है आने वाला कल उसे बोलते हैं हम फ्यूचर सो वी हैव थ्री मेजर टेंसेज इन इंग्लिश इंग्लिश में तीन मेजर टेंसेज होते हैं जो कि है प्रेजेंट टेंस मतलब जो हमारा चल रहा है पास्ट टेंस जो हमारा बीत चुका है फ्यूचर टेंस जो हमारा आने वाला है तो इस इस टॉपिक में हम ये करेंगे कि हम मतलब टेंसेस को अपनी बात को कैसे इंग्लिश में बता सकते हैं अच्छे से वर्ब्स वगैरह यूज़ करके इंपॉर्टेंट है कुछ ही आपको जो नॉन में हो डीज टेंसेज आर इंडिकेटेड बाय द वर्ब इन अ सेंटेंस वर्ब यूज़ किया जाता है इन सेंटेंसेज में वर्ब्स जैसे इज एम आर वर विल बी विल शेल एक्सेट्रा वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन उस वर्ब से हमें यह पता चलता है कि हमारा काम चल रहा है हो चुका है या होगा इवेंट फ्यूचर में प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब्स वट हैपन्स नाउ और इज हैपनिंग नाउ अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट क्या बताता है पास्ट क्या बताता है और फ्यूचर क्या बताता है प्रेजेंट में है व्हाट हैपन्स नाउ जो हमारे साथ अभी चल रहा है या फिर हैपनिंग जो भी हम काम कर रहे हैं पास्ट टेंस क्या डिस्क्राइब करता है व्हाट वट सम टाइम अगो जैसे कुछ समय पहले या फिर कुछ टाइम पहले या फिर कुछ देर पहले हमने क्या किया था फ्यूचर डिस्क्राइब्स समथिंग दैट इज़ येट टू कम और हैपन जो हम जो हमारी लाइफ में फ्यूचर में होने वाला है अब हम हमने तीन टेंसेस किए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अब तीनों के तीनों ऑल द थ्री टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर फॉर्म्स सभी टेंस की फ़ोर फॉर्म्स होती हैं अभी हमने जो हम पढ़ेंगे वो हैं फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जिसमें हमारा काम सिंपल तरीके से हो रहा है जैसे एग्जाम्पल इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे आज बहुत ठंड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब जो काम आपका चल रहा है बहुत बोड़ देर से डक्स आर स्विमिंग इन द पोंड मतलब डक्स क्या है स्विम कर रही हैं पोंड में Present परफेक्ट टेंस मतलब जो काम हमने आज के दिन में कर दिया हो जो हो चुका हो लेकिन आज के दिन में आई हैव फिनिश्ड my होमवर्क मतलब आज ही मैंने अपना होमवर्क ख़त्म किया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मतलब जो काम पीछे हमारे पास से शुरू हुआ हो लेकिन अभी तक चल रहा है जैसे कल से शुरू हुआ हो लेकिन आज तक चल रहा है इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग कल से या फिर आज सुबह से बारिश हो रही है सो so, आज हमने क्या किया तीन टाइप्स के टेंसेज टेंसेज क्या होते हैं और उसके टाइप्स और उसमें से एक फर्स्ट टेंस की फोर फॉर्म्स की नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स करेंगे इन टेंस में कैसे यूज़ किए जाते हैं थैंक यू